ज़्यादा जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sansniwaldairyfarm.com, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। सभी भाइयों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। एक और बहुत शानदार वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं रेवाड़ी ज़िले से। तो वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं भाइयों को कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत शानदार जोटी सामने वीडियो में दिखाई दे रही है, काफ़ी मेहनत से आप तक ये वीडियो पहुँचा रहे हैं, तो एक लाइक जो भाई देख रहे हैं उनसे ज़रूर बनता है। अभी ये जोटी दिखाएँगे आपको, साथ ही एक और जो है भैंस बहुत ही शानदार, एक दो दिन में बच्चा देने वाली है, दूध की लाइन की बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट है। पहले भी चार पांच वीडियो फौजी साहब के यहाँ से आ चुकी हैं, हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, आर्मी में हैं, अभी छुट्टी आए हुए हैं। साथ ही जो इनके छोटे भाई हैं वो भी पशुपालन का काम संभालते हैं, और फौजी साहब की भी गहन रुचि है, बहुत ज़्यादा रुचि है पशुओं के मामले में। अभी जोटी के बारे में पूछेंगे डिटेल से, और सबसे पहले मैं आपको गांव बताना चाहूँगा। गांव जो है इनका दिदोली है, और जो कनीना और रेवाड़ी वाला रोड है उस रोड के लगभग 3-4 किलोमीटर साइड में अंदर की साइड ये गांव है। और ये जो रेवाड़ी से कितने किलोमीटर है भाई साहब? रेवाड़ी से लगभग 20 किलोमीटर है भाई। रेवाड़ी से 20 और कनीना से शायद 10-15 किलोमीटर होगा। हाँ, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर, ठीक है। तो भाई साहब ये जोटी कितने महीने की प्रेग्नेंट होगी? ये सुरेंद्र भाई आपके पास से ही आई है। हाँ हाँ। और ये होगी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। 4 महीने की प्रेग्नेंट, खोल के दिखाना। ये मैं देखने वाले भाइयों को बताना चाहूँगा, जोटी जो हम अपने घर के लिए लेके आए थे, लेकिन फौजी साहब ने काफ़ी रिक्वेस्ट की तो हमने ये जोटी इनको दे दी। और देखिए बिल्कुल छोटे सिंह की, जो भाई वीडियो देख रहे हैं पहले भी हमारी ये वीडियो देखी होंगी, तो जो अपने ताऊ जी के यहाँ से, पड़ोसी के यहाँ से जोटी ली थी 18 किलो दूध वाली जोटी की, वो ये कट्टी है। और जो इसकी माँ का दूध 18 किलो, और जो बाप इसका हमारे पास ही था 23 किलो दूध वाली भैंस का कटड़ा ले आओ वापिस। बहुत ही शानदार शो क्वालिटी की जोटी है, बहुत ज़्यादा अपने यहाँ से आई थी, थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन यहाँ आने के बाद भाई साहब ने काफ़ी सेवा की है, काफ़ी ज़्यादा तैयारी अभी कटड़ी पर है। बिल्कुल छोटे सिंह की, बहुत ही शरीफ कटड़ी हम इसे कहेंगे, काफ़ी दिनों तक अपने यहाँ रही, लगभग 2-3 महीने तक, और भाई साहब को हमने ये कटड़ी दे दी। तो भाई साहब अभी बेचने वगैरह का भी विचार है? सुरेंद्र भाई बेचने का तो कोई विचार नहीं है, बाकी कोई अच्छा ग्राहक होगा तो दे दूंगा, बाकी आप भी वो बोलोगे मेरे से लेके बेच रहा है ऐसा। आपने तो ये कहा था कि घर ही रखेंगे। नहीं, घर रखने का विचार है। हाँ हाँ, बाकी कोई अच्छा ग्राहक आएगा तो मैं दे दूंगा, कोई पालने वाला, अच्छा पालने वाला। ठीक है ठीक है, बाकी मेरे बेचने का कोई ज्यादा कोई विचार नहीं है। तो ये देखिए फौजी साहब के यहाँ पे पहली बार बच्चा देगी, 4 महीने की प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट भी गांव के पंचायती बुल से है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, और भाई साहब ने हमसे ली थी कि हम बेचेंगे नहीं, लेकिन पैसे का लालच सभी को होता है। ये देखिए नीचे की भी बहुत ज़्यादा रिंकल हैं, थनों की दूरी सभी चारों थन काफ़ी दूरी पे हैं, और हम घर रखने की सोच रहे थे तो बहुत अच्छी समझ के ही रखी थी घर पर कटड़ी, और बहुत अच्छी फौजी साहब के यहाँ पर रहेगी या जहाँ भी जाएगी बहुत अच्छी ही रहेगी। फौजी साहब की बजाय मैं कहना चाहूँगा इस जोटी के बारे में मेरे को ही ज़्यादा पता है। एक भैंस और है इनके पास जो कि बहुत शानदार, सामने वीडियो में हम उसको भी दिखाएंगे, बहुत बड़े अड्डर की भैंस है, बहुत ज़्यादा दूध की दिखाई दे रही है, इसके बारे में भी पूछते हैं भाई साहब से। भाई साहब कौन सी बार बच्चा देगी है? सुरेंद्र भाई ये चौथी बार बच्चा देगी। चौथी बार, तीसरी बार में कितना दूध दिया है जी? सुरेंद्र भाई उसने तो 23-24 किलो बताया, बाकी मेरा अंदाजा है कि 20-21 किलो तो देगी ही देगी। 23-24 उसने बताया है। 23-24 इसके बारे में बताया, 23-24 किलो दूध दिया हुआ है। अच्छा, 23-24 बताया है पिछले साल दिया हुआ है। भाई साहब का आइडिया 20 किलो से कम नहीं रहेगी, तो इसको बेचना है भाई साहब? हाँ सुरेंद्र भाई, इसको इसका क्या रेट रखा है? इसका 1.5 लाख रुपए रेट रखा है। 1,50,000 रुपये, खोल के चलाना है इसको। 1,50,000 रुपये, बहुत बढ़िया। इस एरिया में दूध के पशु निकल जाते हैं, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी नारनौल के एरिए में, और बहुत सारे जो ग्राहक हैं हमारे उधर के, जींद भिवाणी इसार पानीपत, उससे आगे जितने भी जाएँ उत्तर प्रदेश तक के ग्राहकों का इस एरिए में तांता लगा रहता है, क्योंकि उनकी भी डिमांड होती है अच्छे दूध की। भैंस भी बहुत ही शानदार, ज़्यादा चर्बी नहीं है भैंस के ऊपर, दूध अच्छा निकालने वाली दिखाई दे रही है। ज़्यादा चर्बी वाला पशु बहुत बार हमें धोखा दे जाता है, लेकिन ये जो भैंस है ऐसा लग रहा है
अच्छे दूध वाली रहेगी, बिल्कुल पतली चमड़ी की है, सींग भी अच्छा है, ऊंचाई मीडियम है, ज़्यादा ऊंची नहीं है, जो कि बार बार मैं ये कहता हूँ कि इस एरिया में ज़्यादा ऊंचे पशु मिलते नहीं हैं। सिंगल हड्डी की और अडर देखिए, बहुत ही बेहतरीन, थनों का साइज़ भी काफ़ी अच्छा, और शायद थोड़ी सी जो है बाई भी आई हुई हो सकती है। ये देखिए अडर, बहुत बड़े अडर की चोटी है, बहुत बड़े अडर की, थनों का साइज़ बढ़िया, तो 1.5 लाख रुपए में बिक्री के लिए उपलब्ध है भाई साहब। तो फिर अभी आजकल छुट्टी पे आए हुए हैं? हाँ, मैं छुट्टी में हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, अपना कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? कॉन्टैक्ट नंबर 9812612920 9812612920 ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर, और भी देना है कोई? हाँ, एक 9034572920 दोबारा करना रिपीट, 9034572920 ठीक है ठीक है। तो ये दोनों नंबर नीचे स्क्रीन में चल रहे हैं, जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनसे जरूर जानना चाहूँगा कि ये भैंस भी, जो कि भाई साहब ने बताया 23 किलो 24 किलो दूध पिछले ब्यात दिया है, लेकिन भाई साहब अपना पक्ष मजबूत करने के कारण मैं कहूँगा 20 किलो दूध का ही हमें कह रहे हैं, और ये जोटी जो अपने यहाँ से आई, इसके बारे में, दोनों के बारे में पूछना चाहूँगा सभी भाइयों से, कैसी लगी? जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, और जो भाई ये वीडियो हमारी YouTube पे देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जिन भाइयों ने ये वीडियो हमारी Facebook पे देख रहे हैं और Facebook पेज पे पहली बार जुड़े हैं, वो भाई भी हमारे पेज को लाइक करें ताकि यहाँ भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।